हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर 6 का फर्स्ट पॉइंट है द स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ये हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स विच रिजल्ट इज स्केलर, विच इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हम करेंगे और अगर उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ एंगल बिटवीन देम इज थीटा, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। बच्चों, ये है स्केलर प्रोडक्ट का इक्वेशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके कुछ मीनिंग समझते हैं। इस इक्वेशन 1 पर से हम यहां पे ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a डॉट b इक्वल टू b आगे और ब्रैकेट में a cos थीटा। क्लियर? ओके, अब जब b cos थीटा क्या होगा, a cos थीटा क्या होगा और उसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हम दो फिगर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम देखेंगे एक फिगर जहां पे वेक्टर OA, ओके, ये वेक्टर a है, यानी OA इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये ए पॉइंट है और ये ए वेक्टर है। क्लियर? और OB इक्वल टू वेक्टर B है, यहां पे हम B बोल देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम वेक्टर B में से A के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे हमें पॉइंट मिलेगा M। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। ओके, चलिए अब यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा का इक्वेशन लगा दोगे। तो कॉस थीटा का इक्वेशन क्या होगा, कॉस थीटा का इक्वेशन होगा एडिशन साइड अपॉन हाइपो। तो यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओ एम अपॉन बी। ओके, ओ एम अपॉन बी, ये ओ बी का वैल्यू हो जाएगा। अब आपको ओ एम क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा। ओके, आपको क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन 2 है वहां पे इसको प्लेस कर देना है। तो आपको a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू ओ एम मिलेगा। बच्चों, ये a क्या है, ओनली a लिखा है, जिसे बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। और ये हमारा ओ एम क्या है, बच्चों देखो ये ओ एम तो वेक्टर b का प्रोजेक्शन है, तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। इसी तरह से अगर हम वेक्टर b के ऊपर वेक्टर a का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमें यहां पे 90 डिग्री एंगल मिलेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। ओके, इस पॉइंट को नाम दे देंगे n। बच्चों देखिए यहां पे cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर cos थीटा होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। तो यहां पे हमारा एडजेसेंट बनने वाला है ON और हाइपो बनेगा OA वेक्टर का वैल्यू, यहां पे हम a लिख देंगे। ON आपका क्या होगा, a cos थीटा होगा, इसे यहां पे पटकिए, तो आपको a डॉट b इक्वल टू क्या मिलेगा, b इंटू ON मिलेगा। अब ये b क्या है, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड ओ एन क्या था, ये ओ एन तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है, ओ एन क्या है बच्चों, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। क्लियर? तो इस तरह से हमें ए डॉट बी की दो डेफिनेशन मिलती है, कौन कौन सी मिलेगी, इक्वेशन 1, 2, इसको हम बोल लेंगे 3, ये 4 और ये 5 समझ लो। तो भाई 4 एंड 5 इक्वेशन से हमें डेफिनेशन मिलेगी,
वो डेफिनेशन क्या है जरा ध्यान से देखिए, स्केलर प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। देखिए यहां पे क्या है ए डॉट बी, तो आपने क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ओके एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सिमिलरली आपने यहां पे क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है ओके, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा किसी एक का मैग्नीट्यूड और सेकंड वाले का फर्स्ट पर जो आपको प्रोजेक्शन मिलता है उसका प्रोडक्ट। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं दैट स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर विथ प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन अदर। क्लियर? प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों क्वेश्चन दो मार्क्स में आ सकता है कि राइट डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड गिव एनी टू प्रॉपर्टीज। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इजी इजी वाली प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ फर्स्ट है इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, अगर ए और बी दोनों पैरेलल होंगे तो आपका थीटा क्या हो जाएगा जीरो ओके। तो इस इक्वेशन के अंदर आपका कॉस जीरो क्या बनेगा वन, तो आपको मिलेगा ए डॉट बी वेक्टर इज ए इंटू बी। क्लियर? और इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर इक्वल, बच्चों अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो क्या होगा, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड होगा एंगल तो थीटा जीरो होगा, तो आप यहां पे ए डॉट ए लिख लोगे तो आपको मिलेगा ए इंटू ए, मतलब वेक्टर ए का स्क्वेयर करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वेयर। तो ये रिजल्ट भी बहुत काम का है, कोई भी वेक्टर का स्क्वेयर करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं इफ ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर, तो बच्चों यहां पे थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। आपको पता है कि कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो ए डॉट बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी आपको मिलेगा जीरो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन थीटा 90 है तो कॉस 90 जीरो होगा, तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा। मतलब इफ थीटा इज 90 और टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे बेस्ड ऑन नंबर वन। बच्चों यहां पे सपोज हमारे पास दो इक्वल वेक्टर हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है ओके, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो दोनों की वैल्यू का स्क्वायर होगा ओके। यूनिट वेक्टर है तो उसका वैल्यू क्या होता है वन, तो यहां पे आपका आंसर वन आएगा। सेम वे आपको जे डॉट जे पूछा जाएगा आंसर वन आएगा, अगर आपको के डॉट के पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या आएगा वन आएगा। और अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर के ऊपर बेस है, तो सपोज हमारे पास आई डॉट जे है, बच्चों आई आपको बताए आई कहां पे होता है एक्स एक्स की डायरेक्शन में, जे कहां पे होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं है ना, एक्स वाई और जेड, ये आई कैप ये जे कैप और ये के कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप आई डॉट जे निकालोगे आंसर क्या आएगा जीरो, बिकॉज यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेम वे आप यहां पे बात कर रहे हो जे डॉट के की तो आपको आंसर मिलेगा जीरो, आप यहां पे लिखोगे के डॉट आई तो आपको आंसर क्या मिलेगा जीरो। एंड ऑल्सो स्केलर प्रोडक्ट इज ओबे द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव ओके, क्या करते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कि अगर आप यहां पे जे डॉट आई लिखोगे तो आपका आंसर जीरो ही रहने वाला है, आप के डॉट जे लिखोगे आपका आंसर जीरो ही रहने वाला है, और आई डॉट के लिखोगे तो भी आंसर क्या होगा जीरो, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट या तो स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है। अब पढ़ते हैं हम फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टीज, इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है जो है एक्स आई केप ए वाई जे केप एंड ए जेड के केप, सेकंड वेक्टर है बी बी एक्स आई केप बी वाई जे केप एंड बी जेड के केप,
हमें ये दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई? ए डॉट बी, ए का वैल्यू प्लेस करो, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई के बी वाई जे के और बी जेड के। बच्चों हमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर थर्ड को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इंटू बी एक्स, यहाँ पे बच्चों आपके पास i डॉट i रहने वाला है। ओके, आपको पता है i डॉट i क्या होता है, वन, अभी हमने सीखा है। लास्ट में वैल्यूज प्लेस करेंगे, चलो x बी वाई आई डॉट j प्लस x बी जेड आई डॉट k प्लस, अब ए वाई का प्रोडक्ट बी एक्स के साथ बच्चों, तो ए वाई बी एक्स क्या रहेगा, j डॉट i प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड ओके जे डॉट के फैक्टर प्लस। अब ए जेड को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, ए जेड बी एक्स ओके के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। बच्चों एज यू नो दैट व्हाट इज आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, आपको पता है कि अगर यूनिट वेक्टर सेम होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट वन होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज नंबर थ्री, और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब कि आई डॉट जे या तो जे डॉट आई आंसर जीरो, ओके आई डॉट के तो के डॉट आई आंसर क्या होगा जीरो, ओके जे डॉट के या तो के डॉट जे आंसर क्या होगा जीरो। तो यहां पे हम ये सारी वैल्यूज को प्लेस कर लेंगे ना, तो हमें खाली ये टर्म मिलेगा फर्स्ट वाला एक्स बी एक्स आई डॉट आई वन प्लस जीरो प्लस जीरो। अब देखिए यहाँ पे जे डॉट आई, तो जे डॉट आई क्या होगा जीरो होने वाला है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जीरो होगा, सेकंड टर्म में जे डॉट जे है तो वन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के क्या हो जाएगा जीरो। अब थर्ड लाइन में देखिए ए जेड बी एक्स बट के डॉट आई है, तो फिर के डॉट आई क्या होगा, के डॉट आई जीरो है तो यहाँ पे जीरो प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे क्या है, तो के डॉट जे जीरो तो यहाँ पे भी जीरो। अब लास्ट में बचा ए जेड बी जेड के डॉट के क्या होता है वन, यहाँ पे ए जेड बी जेड। सो यू कैन राइट दैट फाइनल आंसर इन दिस वे, क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी इक्वल टू एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब कि अगर आपको दो थ्री डायमेंशनल वेक्टर गिवन है उसका आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो करना क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस सेकंड सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस थर्ड थर्ड कंपोनेंट का प्रोडक्ट। प्लीज मेक अ नोट। अब बच्चों देखते हैं सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फोर वेक्टर ए एक्स आई केप ए वाई जे केप एजेड के केप एंड वेक्टर बी बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के। आपको पता है कि दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर आपको एंगल निकालना है ना तो आपको यहां से कॉस थीटा को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तो कॉस थीटा क्या होगा, वो होगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। बच्चों यहां से आपको थीटा मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी। आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो हम इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे, और जो बी है ना वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो आपका थीटा एंगल क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। बच्चों यहां पे ए डॉट बी क्या होगा, आपको याद रखना है कि हियर ए डॉट बी, अभी आपने सीखा था प्रीवियस प्रॉपर्टीज के अंदर ए डॉट बी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है,
फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस सेकंड सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस थर्ड थर्ड कंपोनेंट का प्रोडक्ट मींस एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, ये तो आपने चैप्टर फोर में भी पढ़ा है, तो ये होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करोगे तो आप फाइंड करोगे इजीली एंगल बिटवीन टू वेक्टर विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। अब बच्चों बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर अ स्केलर प्रोडक्ट, जिसके लिए हम यहाँ पे एक फिगर को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल थ्री वेक्टर्स है, वेक्टर ए इक्वल टू ओपी वेक्टर, वेक्टर बी इक्वल टू ओक्यू वेक्टर, वेक्टर सी इक्वल टू क्यू आर वेक्टर। क्लियर? ओके। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, जो क्या होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर विद प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर तो हमारा ए है, लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए। बच्चों आपको क्या चाहिए यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, जिसे आप कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस तरह से लिखोगे। बट प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी कैसे मिलेगा, तो आ जाइए डायग्राम पर से। बच्चों यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बी कौन है, ओ क्यू है, वेक्टर सी कौन है, क्यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों का एडिशन चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल मेथड ऑफ एडिशन क्या करोगे, वेक्टर बी का टेल एंड वेक्टर सी का हेड पकड़ लोगे, दोनों को ज्वाइन कर लो, आपको मिलेगा बी प्लस सी। ये जो बी प्लस सी वेक्टर है ना, उसका प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर क्या आएगा, ओ एम आएगा। तो ये रहा ओ एम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ओ एम क्या होता है, जरा डायग्राम से देखिए बच्चों, ओ एम, ओ एम इज द एडिशन ऑफ ओ एन प्लस एन एम, ओ एन प्लस एन एम कहां से आया, फ्रॉम फिगर ओ एम, ओ एन प्लस एन एम। क्लियर है? चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ओ एन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू एन एम। अब बच्चों तनिक देखिए यहाँ पे ओ एन क्या है, ये ओ एन क्या है, ओ एन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए एन एम क्या है, ये एन एम इतना सा क्या है, इतना सा प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन वेक्टर ए। क्लियर है? अब फिर से हम अपनी डेफिनेशन की बात करेंगे, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है विद द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये बनेगा ए डॉट बी, तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए डॉट सी। ये हो गया हमारा आरएचएस। यस वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ऑल्सो ट्रू फॉर अ स्केलर प्रोडक्ट, और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट फुलफिल द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर ए इक्वल टू टू आई प्लस जे के प्लस के के, वेक्टर बी इक्वल टू आई के प्लस टू जे के माइनस के के, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों स्केलर प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट बी एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मतलब कि एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस वाई कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट। देखते हैं वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, टू, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट क्या है बच्चों, वो है वन, प्लस यहाँ पे वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट है वहां पे लिखेंगे वन, क्योंकि इसका मल्टीपल वन है, यहाँ पे आएगा टू प्लस।
यहाँ पे वन और यहाँ पे माइनस वन। चलिए टू वन जार टू प्लस टू वन जार टू माइनस वन, ये आंसर आएगा फोर माइनस वन थ्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू फोर आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू सिक्स आई के प्लस एट जे के प्लस एम के कैप परपेंडिकुलर टू इच अदर। बच्चों दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, व्हेनेवर टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयर स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। तो हियर वी कैन से दैट इफ ए एंड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो। ओके, इसको हम कंसिडर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। बच्चों फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट आपको पता है, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड क्या होना चाहिए, जीरो। चलिए फोर इंटू सिक्स करिए, यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करिए। बी ए वाई क्या है आपका माइनस सिक्स, बी वाई क्या होगा एट, ए जेड क्या है टू, बी जेड क्या है एम इक्वल टू जीरो। फोर सिक्स जा 24 माइनस एट सिक्स जा 48 प्लस 2m इज इक्वल टू जीरो। चलिए 24 में से 48 माइनस करिए तो माइनस 24 प्लस 2m इज इक्वल टू जीरो। बच्चों माइनस 24 को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो 2m इक्वल टू 24 होगा और m होगा आपको 24 बाई 2, यानी आपको m मिलेगा 12। ये हो गया इंपॉर्टेंट न्यूमरिकल। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं तो आप यहाँ पे भी ध्यान रखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, पी डॉट क्यू इक्वल टू पी क्यू फाइंड द एंगल। ओके, आप देख सकते हो कि पी डॉट क्यू इक्वल टू क्या है, पी क्यू कॉस थीटा ये होना चाहिए, यस और नो। कंपेयर करो पी डॉट क्यू को पी क्यू से, मतलब कॉस थीटा के बदले बच्चों यहाँ पे वन है। कॉस थीटा वन कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए टू आई के प्लस जे के एंड वेक्टर बी आई के प्लस टू जे के। तो आपको पता है बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां से हमें कॉस थीटा ऑब्जेक्ट बनाना है, ए डॉट बी अपॉन ए बी निकालना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, ए डॉट बी निकाल देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट बच्चों 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 प्लस 2 4 हो गए। चलिए अब ए चाहिए, ए मतलब क्या होता है मैग्निट्यूड ऑफ ए, अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट 5। चलिए बी का वैल्यू क्या आएगा, मोड बी अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहां पर आएगा 1 प्लस 4 जो होगा रूट 5। अब कॉस थीटा के अंदर वैल्यू प्लेस करिए, इक्वेशन वन था हमारा, तो ए डॉट बी क्या है 4, चल लिख दिया 4, यहां पे रूट 5 इंटू रूट 5 तो ये होगा 4/5। तो बच्चों आपका कॉस थीटा हो गया 4/5, थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। ओके, ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है उसे आप 0.800 भी लिख सकते हैं, और 0.800 की वैल्यू आप कॉस टेबल से एंगल के तौर पे लिख सकते हो। प्लीज मेक अ नोट।